आज विश्व एड्स दिवस है जो प्रतिवर्ष दिसंबर 1 को मनाया जाता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसकी खोज 1983 को हुई थी। यह एचआईवी वायरस के कारण फैलता है। इसके फैलने का कारण यह है कि यह संक्रमित सुई द्वारा किसी व्यक्ति को एड्स फैलता है, या असुरक्षित यौन संबंधों से भी यह फैलता है, और असुरक्षित या संक्रमित रक्तदान करने से भी फैलता है। कि हम जानते हैं प्रति वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स आज की सबसे खतरनाक बीमारी है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वर्ड्स इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। जैसे कि जानते हैं कि किसी व्यक्ति को एड्स होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु 3 साल के अंदर हो जाती है। और एड्स के प्रमुख लक्षण लसिका ग्रंथियों में सूजन, बुखार, भारहीनता तथा कमजोरी आना, और एड्स की बीमारी के उपचारण TIAS इंजेक्शन लगाकर और संक्रमित सुई का उपयोग नहीं करना चाहिए और असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी खोज 1983 में हुई थी। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं। यह एचआईवी वायरस द्वारा फैलता है। इसका फैलने के कारण यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उपयोग किया गया सीरन करने से होता है, और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है, और असुरक्षित रक्तदान करने से भी होता है। इसके बचाव के उपाय है कि संक्रमित माता को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए और असुरक्षित रक्तदान नहीं करना चाहिए, असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। 1 दिसंबर को बनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। यह एक खतरनाक बीमारी है जिनके निदानों का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है। यह रोग एक विषाणु के द्वारा होता है जिसे एचआईवी कहते हैं। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। यह विषाणु शरीर में 8 से 10 वर्ष तक चुपचाप पड़ा रहता है, जिससे रोग प्रतिरोधकता क्षमता नष्ट हो जाती है, जिससे व्यक्तियों की लसिका ग्रंथियों में सूजन, बुखार, भारीपन, कमजोरी आदि होने लगते हैं। बुल्गारिया के वैज्ञानिक TIAS ने एक इंजेक्शन का आविष्कार किया जिससे विषाणु की रोकथाम, जिससे दूसरे व्यक्ति को यह विषाणु नहीं जा सका। एड्स का दवा AZT एक दवा थी जिसका लोगों ने प्रयोग किया। एड्स ये संक्रमित सुई के द्वारा और असुरक्षित यौन संबंधित कोई द्वारा होती है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर एकत्रित क्यों हुए हैं। आज हम यहाँ एड्स दिवस के लिए एकत्रित हुए हैं। 1 दिसंबर सन 1988 के बाद मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। सन 1983 के बाद एड्स रोग की खोज की गई। एड्स रोग ऐसा रोग है जो HIV से होता है। एड्स एक ऐसी रोग है जो संक्रमित इंजेक्शन से होता है, असुरक्षित यौन संबंध से होता है, और असुरक्षित ब्लड डेट से भी होता है। एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु संरक्षण के बाद होती है। HIV संक्रमण के पश्चात मानवीय शरीर की संक्रमित प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। HIV संक्रमण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को। बच्चों, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आपने एड्स के बारे में सुना होगा। एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देती है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह HIV वायरस के द्वारा होती है। HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये बीमारी में व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु तक हो जाती है। कई बार एड्स का वायरस हमारे शरीर में पड़ा रहता है और 10 वर्षों तक भी इसके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता है। अब हम जानें कि आखिर ये एड्स होता कैसे है। तो एड्स फैलने के 4 मुख्य कारण हैं। पहला,
संक्रमित सुई के द्वारा, दूसरा संक्रमित व्यक्ति का ब्लड डोनेट करने के द्वारा या संक्रमित व्यक्ति का ब्लड लेने से, तीसरा संक्रमित माता से संक्रमित बच्चे में भी संक्रमण हो जाएगा, और इसके अलावा संक्रमित ब्लड, संक्रमित सुई, असुरक्षित यौन संबंध, ये सब एड्स के कारण हैं। तो एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा गया है, इसलिए एड्स से बचाव ही, सुरक्षा करना ही या बचाव करना ही इसका सही उपाय है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग होना चाहिए। जब भी किसी काम के लिए सिरिंज का उपयोग हो तो वो डिस्पोजेबल हो, यानी एक बार यूज करने के बाद उसको फेंक दिया जाए। साथ ही साथ किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाए जाने चाहिए। जब कोई व्यक्ति सेविंग कराने जाए तो एक ही ब्लेड का उपयोग कई व्यक्तियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और संक्रमित व्यक्ति का ब्लड नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई महिला संक्रमित है तो उसको गर्भधारण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कुछ सावधानियां रख के एड्स से सुरक्षित हो सकते हैं, और एड्स के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। जून 1981 में एड्स का पहला मामला लॉस एंजल्स में 5 युवा समलैंगिक पुरुषों में रिपोर्ट किया गया था। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस 1988 के बाद से मनाया जाता है, और यह लक्ष्य है कि 2030 तक एड्स का समापन कर दिया जाए और एड्स मुक्त देश हो।